नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों इस वीडियो में आप देख सकते हैं मेरे हाथ में है ओप्पो A31 मोबाइल, और इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि आप यहाँ पे अपने मोबाइल में वॉलपेपर चेंज कैसे कर सकते हैं अपने मोबाइल का। तो वॉलपेपर लगाने के लिए यहाँ पे आपको एक थीम स्टोर का ऑप्शन देखने को मिलता है। जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि अगर आप होम पे रहते हैं तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। और अगर आप यहाँ पे वॉलपेपर पे क्लिक करते हैं इस टैब से, तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे नए वॉलपेपर देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको जो पसंद आ रहा है उस पे आप क्लिक करके इसे लगा सकते हैं। तो जैसे कि ये वॉलपेपर अच्छा लग रहा है, मैं इस पे क्लिक करूँगी और इसको यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर दूँगी। और इसके बाद सेट एस पे क्लिक करना है आपको। तो यहाँ पे आपको दो तीन ऑप्शन देखने को मिल रहा है कि लॉक स्क्रीन पे लगाना चाहते हैं, होम स्क्रीन पे लगाना चाहते हैं, या फिर दोनों पे लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको होम स्क्रीन पे सेट कर दूंगी इस टाइप से। और लॉक स्क्रीन के लिए मैं दूसरा वॉलपेपर ले लूँगी, तो लॉक स्क्रीन पर मैं ये वाला वॉलपेपर लगा दूँगी। और यहाँ पे आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना है। और इसके बाद सेट एस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सेम वही देखने को मिल जाएगा। लेकिन अब मैं यहाँ पे लॉक स्क्रीन पे इसको सेट करूंगी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं होम स्क्रीन पे ये वाला वॉलपेपर लगा हुआ है और आपका लॉक स्क्रीन पे ये वाला वॉलपेपर लगा है। तो इस स्टेप से आप यहाँ पे दोनों जगह पे वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इसी टाइप की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल पे विजिट करते रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।